है वर्ल्ड का सबसे बड़ा टैबलेट, मतलब इससे बड़े आते हैं बट वो बस स्क्रीन होती है, उसमें कुछ चलता नहीं है। और हम इस बड़े टैबलेट में सब कुछ, 4K एडिटिंग, गेमिंग, एपेक्स लेजेंड फ्रेश। और ये है उसका कवर, बिल्कुल मजाक नहीं। पहला टैबलेट है जो अल्ट्रा नाम के साथ आ रहा है। नाम में जब अल्ट्रा लग जाए ना, मतलब आयरन मैन जी ने बनाया उसको। बनी था ना? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। एंड में इसके ऊपर आयरन मैन का स्केच बना के देखेंगे भाई, पेपर भी ज्यादा तकड़ा बनता है इस पे। भाई सब टीम मेंबर से पूछ के आते हैं कि वो टैबलेट लेना चाहेंगे कि ये लैपटॉप। भाई मैं तो टैबलेट ही लूंगा, आराम से इसको कैरी कर सकता हूँ भाई भी। यार प्रेफर तो लैपटॉप ही करूंगा भाई, टैब लेना चाहूंगा ऑफ कोर्स। टच स्क्रीन भी है ना, गेम भी खेल सकता हूँ, अलग से निकाल के लेट के भी पिक्चर देख सकता। ये टैब का डब्बा है और ये इसके कवर का डब्बा है। कवर का डब्बा ज्यादा बड़ा भाई। ये है बुक कवर कीबोर्ड, 23,000 रुपए ओनली। सुनने में थोड़ा महंगा लगेगा, इन सब में फीचर वीचर काफी रहते हैं। ये तो बहुत ही अलग सा लग रहा है, वैसे क्वालिटी बहुत तगड़ी है। पूरा मैट ब्लैक फिनिश है, यहाँ पे जो टच पैड भी है मस्त लग रहा है। बड़ा टाइम आ गया असली टैब को खोलने। भाई बिल्कुल मजाक नहीं, ये इतना बड़ा है, इसके सामने लैपटॉप छोटा लगेगा। डब्बे के अंदर और चीजें देखते हैं क्या क्या। एक पेन, इसकी तार एक्चुअली आप नोटिस करो काफी ज्यादा लंबी। आप पूछो इतनी लंबी क्यों दे दी, फोन में क्यों छोटी देते हैं। कंपनी वाले चाह रहे हैं टैबलेट बन जाए लैपटॉप और लैपटॉप हो जाए RIP, रेस्ट इन पीच वाली ड्रॉर। भाई मैं बिल्कुल मजाक नहीं, एक तो इतना बड़ा है ना, ढूंढने में टाइम लग जाता है यार। सिम अरे वो माइक्रो एसडी कार्ड भी दे रखा है और 5G सिम तो लगा ली, लेकिन बात कैसे करेंगे, बात ऐसे करनी पड़ी। हेलो, ये टैबलेट बहुत ही ज्यादा बड़ा, अगर मैं अपने दोनों हाथ से भी पकड़ लूँ ना तब भी ऐसा लग रहा है भाई पूरा लैपटॉप पकड़ रखा है। इतना अच्छा खासा बड़ा होने के बाद भी अगर मैं साइड से दिखाऊं भाई कुछ है ही नहीं। ये टैब है और ये एस पेन है, एस पेन ज्यादा मोटा है टैबलेट से। एक बैटरी इसके तो हाफ से भी ज्यादा पतला है यार। और ये वाला सैमसंग एक फोन है और इससे भी काफी ज्यादा पतला है। बचपन में वो नहीं होती थी स्लेट पे ऐसे लिखते थे भाई, वैसी वाली फील आ रही है, मतलब थोड़ी महंगी स्लेट। और एक और मशीन दिखा, ये देखो नॉच, पहले मोबाइल के अंदर नॉच थी, फिर कुछ लैपटॉप के अंदर नॉच आ गई। फ्रंट में दो कैमरे लगा रखे हैं भाई और जो बेजल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पतली हैं। और जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा इसका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट है। राइट साइड में एक पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं, नीचे की साइड पे दो स्पीकर के वेंट लगा रखे हैं, बीच में USB टाइप सी, ऊपर की साइड पे भी दो स्पीकर के वेंट। और इस तरफ देखोगे तीन बिंदी, बैक साइड में डुअल कैमरा, नीचे फ्लैश लगा रखा और रीच यहाँ पे रोडवेज। ये एक्चुअली बहुत ज्यादा बड़ा ना, तो प्लेन व्लेन भी आके इसके ऊपर लैंड करते हैं ना, उसके लिए बना रखा है रनवे। मजाक कर रहा था, प्लेन ही लैंड करेंगे इसके ऊपर, एस पेन लैंड करेंगे ऐसे करके जूम। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ AKG, ये एक्चुअली हुआ गया कि ABC लिख रहे थे, बट ABC तो KG में सिखाते हैं तो AKG लिख दिया। ओ नीचे की साइड, ऊपर की साइड, नीचे की साइड। ओ भाई बहुत ही लाउड है यार। भाई इसके अंदर चार स्पीकर्स हैं। ये बैक साइड में इसका कवर है और इसको आप स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हो, ऐसे करो टेढ़ा ज़ूम। बस कीबोर्ड को ना भी लगा लो तब भी चलेगा। ऊपर की साइड में खोला, इस टाइप के डिस्प्ले के लिए अगर आपको वॉलपेपर्स की जरूरत हो, ऑफ कोर्स एक ही वॉलपेपर आप फ्रेश वॉल्स। वाओ, इसके अंदर एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है भाई, यहाँ पे ऐसे क्लिक करो। एक चीज आप देखो मिस होगी, जो ऐसी चीजें हैं ना जो फ्लैगशिप में नहीं होनी चाहिए वो नहीं है, जैसे हेडफोन जैक। एक्चुअली काफी सारे टैबलेट्स हैं पर कोई भी इतना पतला और इतना बड़ा नहीं है। जैसे जैसे बड़े होते आते हैं वैसे ऐसे मोटे होते आते हैं और थोड़े से केस वेस के साथ यूज करने पड़ते हैं। और ऐसे इसलिए जैसे आप इतना पतला बना देते हो टैबलेट को और इतना बड़ा कर दो तो इसके बेंड होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। बट इसमें सैमसंग क्लेम कर रहे हैं इन्होंने आर्मर एल्यूमिनियम डाल रखा है, इसका मतलब स्क्रैच कम आएंगे और बेंड नहीं होते आराम से। और बिल्कुल मजाक नहीं, इस वीडियो को बनाते बनाते 3-4 बार मेरे मुंह से लैपटॉप निकल गया, क्योंकि लैपटॉप ही है यार भाई। अब लगाते हैं कीबोर्ड को, फुल लैपटॉप वाली फीस देनी है। वो 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 वो। ये है दोस्तों आम जिंदगी, अप डाउन करो ऐसे लॉन्चर खुलेगा, यहाँ से खोल लो ऐप, ऐप खोल लो। ये है मिंटोस जिंदगी, पूरा लैपटॉप बन गया, यहाँ से खोलना है ऐप, ऐसे चल रही हैं, जैसे विंडोज में खोल के रख सकता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब का एक टैब खोल लिया मैंने। और ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मैं एक्चुअल लैपटॉप पे नहीं कर सकता, जैसे वाली इंस्टाग्राम की ऐप है भाई, नहीं चलती लैपटॉप के ऊपर। और उसका प्ले स्टोर की सारी एप्लीकेशन, प्ले स्टोर की सारी गेम्स, और जब मन करा डन भाई। इस टैब के अंदर माइक्रो एसडी कार्ड डालने 1 TB तक डल जाता है। मैंने बहुत ही कम ऐसे लैपटॉप्स यूज करे जिसमें इस क्वालिटी का डिस्प्ले होता है। इसमें एक 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले, WQXGA 650 nits, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। ज्यादातर लैपटॉप में 60Hz की स्क्रीन होती है और जिसमें होती भी है ना उसमें IPS LCDR डिस्प्ले होता है, मजा भी नहीं आता बिल्कुल। इसमें भाई पूरा सुपर एमोलेड डिस्प्ले, कलर अलग ही दिख रहे हैं यार। 4K HDR पे चलाएंगे भाई। यार मैं वीडियो ना कितनी बार देख चुका हूँ, मेरा तब भी देखने का मन कर रहा भाई। ये देखो किन, देखो भाई की यार लिपस्टिक लगाते हैं यहाँ पे, रेत से मेकअप भाई, ये भाई नेचुरल ब्यूटी। बिल्कुल मजाक नहीं भाई, डिस्प्ले बहुत ज्यादा प्यारा। और मैं एकदम सीधा सीधा देखो दिल से मैं अपनी बात निकालता हूँ, लैपटॉप में मुझे एक चीज मिसिंग लगती है, वो है क्या घटिया घटिया कैमरा लगाते हैं यार। बैक साइड में होते ही नहीं कैमरा, फ्रंट साइड ऐसा लगता है नहा धो के नहीं आया मैं भाई। इसमें लगा रखा है कैमरा भाई, इसमें एक फीचर है ऑटो फ्रेमिंग करके। वो दिल में मेरे हैदर्द डिस्को, ये इसमें ये। ओ भाई वाइड एंगल, इसमें मम्मी पापा बहन भाई भाई सब वीडियो कॉल पे। अगर थोड़े ऊंचे वाले फ्लोर पे रहता तो ऐसा करके करना पूरा गांव आ जाएगा। चलो बैक साइड वाला कैमरा, इसमें भैया की। आप पूछो कौन से भैया की? आयरन मैन वाले भैया की यार। ये लो फोटो, ये 1, 2, 3
किसी एक टैब से आप इतनी तगड़ी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं करोगे 1x में, और एक्चुअल डिटेल डिटेल काफी बढ़िया भाई। यार वाइड एंगल में कलर और बढ़िया लग रहे हैं, आप इमेजेस को फोन के वाइड एंगल से तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट आपके भाई डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जितने खींचने हैं वाइड एंगल में, फुल एंगल में, फ्रंट में, बैक में, सब कुछ भाई। ये मानस भाई हमने खींची है फोटो, ये हमने अपनी वीडियो बनाई भाई, वीडियो क्या बढ़िया है। और मजे की बात है फ्रंट में दोनों कैमरे में 4K। आपने जैसी कॉलेज की क्लास करी ज्वाइन, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया भाई कौन सा साबुन लगा दो भाई, ओ माय गॉड गिव मी योर साबुन। इस टैबलेट के अंदर 11200 mAh बैटरी, जिन्होंने नहीं पता एक पावर बैंक में 2000 आते हो, फोन को 3-4 बार चार्ज कर देता है। चार्जिंग है 45 वॉट बट अलग से चार्जर लेना पड़ेगा। हमने इसको 1 घंटे चलाया था, थोड़ी बहुत गेम्स खेली थी, काफी सारी वेब ब्राउजिंग करी थी, और हमारी 8% बैटरी कम हो गई थी, जो इतनी बड़ी स्क्रीन के हिसाब से काफी अच्छा है। और इतने पतले हल्के लैपटॉप इसका आधा भी चल पाए वो बहुत बड़ी बात जाती है। काफी हद तक एक लैपटॉप जैसा या फिर एक काफी बड़ी सी डायरी जैसा फील होता है। और लैपटॉप में क्या होता है ऐसे यूजुअल ऐसे खोला ये जैसे खोला ऐसे रेडी, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको दोनों हाथ से ऐसे अलग करना पड़ता है, फिर ऐसे खोलना पड़ता है, फिर नीचे इसका स्टैंड लगाना पड़ता है, फिर हम रेडी हो जाते हैं। लैपटॉप में एक दो चीजें होती हैं, आप ऐसे कीबोर्ड पकड़ के इसको उठा के लेके जा सकते हो, बट इसमें कीबोर्ड पकड़ के उठा के लेके जाओगे तो कुछ चीजें रह जाएंगी, या फिर अगर आपको ऐसे लेके जाना है तो ऐसे कुछ चीजें लटकी लटकी जाएंगी, थोड़ी सी ऐसे फीलिंग आती है पीछे की साइड लुढ़क ना जाए या फिर फ्रंट की साइड पे ना लुढ़क जाए। बेसिकली इसमें सब कुछ ना ऊपर स्क्रीन में लगा तो ये काफी ऊपर से भारी हो जाता है। और मेरे साथ काफी टाइम पता क्या हुआ, मैं ऐसे चला रहा था, मैं भूल गया था मैं टैबलेट चला रहा हूं, मैं ऐसे खटाक से बंद कर दिया, तो पीछे ऐसे पंख भाई का खुला रह गया, तो इसको भी बंद करना पड़ा। बट एक बार जब रेडी सेट हो जाता उसके बाद अपना निकालो पिकासो निकलेगा भाई। सब्सक्राइब टू टेक बर्नर 1 trillion। इसको एक टाइम में खोला फिर दूसरे में कुछ और मन कर गया आपका, जैसे आप YouTube वीडियो देख रहे हो, रोनाल्डो भैया ने गोल मारा आपने ऐसे पकड़ लिया और रॉबिन जी, और आपको लगा कि यहाँ पे आपको फुटबॉल बनानी चाहिए, आपने ऐसे बना दी बॉल, देखा ये इन्होंने सर से मारी है फुटबॉल। इसमें मेरे को अभी लाइव मैसेज बनाने, वाओ मेरे को ऐसे दाढ़ी बनानी, वाओ 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 ये टेक बर्नर वाला टी है, वो 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 अपने यहाँ पे लग लिया एयर डूडल बना दे। मेरे को हमेशा से ऑरेंज बाल चाहिए थे तो अब मेरे को मिल चुके हैं। एक चीज और मैं नोटिस करी, पूरा अगर समझ लो ड्राइंग भी करनी है ना तो मैं ऐसे हाथ रख के आराम से इसके ऊपर से ऐसे कर सकता हूँ, मेरे को ऐसे फायर वाला लोग बनाना है, टेक बर्नर बनाना है, मेरा हाथ वाल लग के बिल्कुल भी ऐसे मतलब नीचे नहीं होता। तो दोस्तों हम आ गए हमारे टैबलेट के साथ और आज हम कॉम्पिटिशन करेंगे मिश्रिया डिजाइनर के साथ, देखते हैं किसके आयरन मैन में ज्यादा लोहा है। मैं इसमें बनाऊंगी आयरन मैन और मैं, लेट्स गो। थानोस लग रहा है, ये तो आयरन मैन लग रहा है भाई। जब तक ये बनाएंगे भाई मेरा कलर वलर भी हो जाएगा। अरे इसका तो चेहरा ही नहीं है, देखो मैं बताता हूँ, हमारे वाले में रेड है, इसका व्हाइट है। कैसा आप अपनी ड्राइंग को डिस्क्राइब करना चाहोगे? तो बहुत क्विक स्केच है एंड इट्स लाइक यहाँ पे लंगड़ा रह गया और बाद में उसकी काय हो गई। मेरे वाले में आई नहीं, हाथ पैर ही नहीं रहे, बस हेलमेट बच पाया है भाई। फाइनली टाइम आ गया, गेम खेलेंगे अल्ट्रा एचडी पे, अल्ट्रा पे खेलेंगे भाई। इस टैब के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है जो इस टाइम पे एंड्रॉइड में फ्लैगशिप प्रोसेसर है, और उसी की वजह से सारी गेम्स और जितनी भी एप्लीकेशन काफी तगड़े तरीके से चलती हैं। और एपेक्स लेजेंड्स अभी जस्ट निकली, मैं ये वाली गेम पहली बार इस वाले टैबलेट के ऊपर खेल रहा हूँ, मतलब अभी जस्ट निकली हुई है। इस पे एक्सट्रीम HD पे अल्ट्रा भी चल रही है, इसमें ये भी ऑन कर रहे हैं। भाई क्या पटाई कर रहा हूँ यार मैं, जो गेम है एकदम ऐसा लग रहा है मैं कंसोल पे खेल रहा था। अभी लेट्स गो जेंशन इंपैक्ट खेलते हैं। जैसे कि देख सकते हो इसमें भी ग्राफिक्स और जितने भी उछल कूद करके हम मार रहे हैं वो काफी हद तक स्मूथ है, ऐसा लग रहा है लैपटॉप पर टच स्क्रीन लगा के गेम खेल रहे हैं। जैसे कि देख सकते हो ये रेड से निकली हुई 4K वीडियो है और ये काफी सीमलेसली इसके ऊपर चल रही है, उसको मैं आराम से एडिट कर सकता हूँ। ये पावर डायरेक्टर हमने अलग से ऐप डाल रखी है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट इफेक्ट डालने हो, लेयर्स डालने हो, सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। मेरे को इसमें काफी सारे फीचर्स जो काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे इसको आप विंडोज के सेकेंडरी मॉनिटर की तरह भी यूज कर सकते हो, किसी विंडोज लैपटॉप में कनेक्ट करना और सेकेंडरी मॉनिटर बन जाता है। थोड़ी बहुत एप्स भी हैं जैसे क्लिप स्टूडियो पेंट है, 6 मंथ के लिए फ्री मिलता है, कैनवा प्रो भी 1 मंथ के लिए फ्री देखने मिलता है, नोट शेल्फ पे आप नोट शोट्स ले सकते हो, डेस्क मोड हमने काफी यूज करा, काफी मजा आया। और उसके अंदर भी आप एक्चुअल ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हो विंडो की, मतलब फ्रंट वाली भी दिख रही है, बैक साइड वाली भी दिख रही है। HDMI केबल लगा के हमने मॉनिटर स्क्रीन भी शेयर कर दी भाई, हमने इसके अंदर गेम्स खेली, वीडियो एडिट करी, अलग अलग चीजें ट्राई करी, S Pen ट्राई करा, सैमसंग का डेस्क ट्राई करा, और पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा स्मूथ गया। जो UI है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होता है। ये डेफिनेटली एक नॉर्मल टैबलेट नहीं है, ये काफी प्रीमियम एंड का टैबलेट है और इसके अंदर सब कुछ एकदम ऊपर से ऊपर वाला लगा रखा है, सब कुछ एकदम टॉप ऑफ द लाइन है। इस टाइप के टैबलेट्स हम में से काफी सारे लोगों के
लिए एक लैपटॉप का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। काफी सारे लोग जिनको ऑनलाइन काफी सारी काम करने हैं, ब्राउजिंग करनी है, बेसिक टास्क करने हैं और वीडियो कॉल्स काफी सारी अटेंड करनी है और पिक्चर देखनी है, उनके लिए डेफिनेटली काफी तगड़ा गैजेट है। और अगर आप एक फ्लैगशिप टैबलेट ढूंढ रहे हो तो मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। इसका प्राइस 1,09,000 रुपए है, 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाले वेरियंट के लिए। और कुछ डिस्काउंट भी HDFC का, अगर आप कार्ड यूज करते हो तो 10,000 रुपए ऑफ है। और जो कीबोर्ड है इसके ऊपर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप साथ में लेते हो। और जो 5G वाला वेरिएंट है उस पे 5,000 रुपए अपग्रेड बोनस भी, काफी सारे ऑफर डिस्काउंट है। ये सारे ऑफर है भाई सैमसंग की वेबसाइट पे। इसको यूज करना, डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, मेरे को अभी भी लैपटॉप वाली फील दे रहा। आप भी मेरे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसे लगे। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।